नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गगनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं पौष्टिक हर्ब्स। आज की इस वीडियो में हम विंटर स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। सर्दियों में सबसे बड़ी समस्या होती है त्वचा का बहुत ज्यादा रूखा हो जाना, ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो जाना कि कितनी भी क्रीम लगा लो पर वो ड्राइनेस जाती ही नहीं, और उसकी वजह से होती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। इन सभी प्रॉब्लम्स का हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो है एलोवेरा। एलोवेरा को हम स्किन सुपरफूड कह सकते हैं और ये हाइड्रेटिंग पावर हाउस है। हमारे घर पे भी एलोवेरा बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपको एलोवेरा नहीं मिलता है, फ्रेश एलोवेरा आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मार्केट में से भी कोई भी नेचुरल जेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा यूज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उसको काट के कुछ देर के लिए रख दें, ताकि जो ये येलो सा लिक्विड है जिसके अंदर थोड़ा पॉइजन होता है या फिर कुछ इरिटेटिंग पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, वो निकल जाने चाहिए। तो मिनिमम आधा से एक घंटा आप ज़रूर रखें। आप चाहें तो पूरी रात भर भी इनको इसी तरह रख सकते हैं। अब हम एलोवेरा को धो लेंगे। इसकी जेल को निकालने के लिए हम जो साइड वाला कांटों वाला हिस्सा है उसको काट लेंगे, और जिस साइड में गुद्दा ज़्यादा है उस साइड का छिलका उतारकर इसकी जेल जो है उसको इजीली निकाल लेंगे। उसके बाद हम जेल को अच्छे से पानी में धोएंगे। हमारी जो जेल है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए। उसी के बाद ही हम इसको अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे। अगर आप इसी तरह एलोवेरा जेल को यूज़ कर लेंगे तो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर आपको लगता है कि एलोवेरा जेल आपको सूट नहीं करती तो उसका यही एक रीज़न हो सकता है कि आप उसको अच्छे से वॉश नहीं करते। अगर आप अच्छे से क्लीन करके एलोवेरा जेल को यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको कभी भी मार्केट से एलोवेरा जेल नहीं लानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होती है स्किन के लिए और हर स्किन टाइप पर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा है और ये मॉइस्चर को हमारी स्किन के अंदर लॉक करती है, तो स्किन को ड्राई नहीं होने देती। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जो किसी तरह की ऑयली बेस वाली क्रीम यूज़ नहीं कर सकते, वो भी मॉइस्चराइज़र के लिए एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइज़ करना सबके लिए ज़रूरी होता है। अगर हम मॉइस्चराइज़ नहीं करते तो हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और फिर एजिंग, रिंग और फाइन लाइंस हमें दिखने शुरू होते हैं। इसकी जेल को निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम इसको निकाल लेते हैं और यूज़ करने का तरीका जान लेते हैं तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है, क्योंकि मार्केट में हमें एलोवेरा जेल बहुत कॉस्टली मिलती है। फ्रेश जो चीज़ें होती हैं वो फ्रेश ही होती हैं। जो जेल हमने साफ़ करके निकाल ली है हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, और जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एक लिक्विड जेल मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि इसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, साथ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और एंजाइम्स होते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी जो छिलका है या कोई भी अगर अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ कोई पार्ट तो वो उसके अंदर ऐड ना हो, ये बिल्कुल स्मूथ जेल बन जाए। और अब आप जो जेल हमें मिलेगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है या बहुत सेंसिटिव है, आप इसके अंदर किसी तरह का ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इसी तरह इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम किसी क्रीम से फेस मसाज करते हैं या फेशियल से पहले हम मसाज करते हैं उसी तरह आपको मसाज करना है। 10-20 मिनट्स आपको उसको छोड़ देना है और उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा लेके आप फेस को वाइप कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी नेचुरल वाइप्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो 7-8 डेज के लिए ही स्टोर करें, और इसको रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना पड़ेगा। आप इसको रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप हर वीकेंड पे बना लें और नेक्स्ट वीकेंड फिर से नहीं बना लें। अब हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल को ऐड करेंगे। हमारे पास 6 चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल होगी और हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डाल दिया है, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो कोकोनट ऑयल जो है वो हमें इसी तरह जमा हुआ मिलेगा।
इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी अगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और सर्दियों में और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उनको अगर मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तो सबसे बेस्ट जो काम करेगा वो कोकोनट ऑयल करता है, क्योंकि नारियल का तेल जो होता है वो भी आयुर्वेद के अनुसार त्वचा है, इसके अंदर भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर स्किन को हील करना होता है तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ऑयली स्किन के मुकाबले ड्राई स्किन जो होती है इसके ऊपर जल्दी रिंकल्स और फाइन लाइंस आते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जबकि ऑयली स्किन हाइड्रेट होती है और उसके अंदर स्किन के जो सेल्स हैं वो जल्दी नहीं डैमेज होते। स्किन अंदर से मॉइस्चराइज रहे और जो डेड सेल्स हैं वो रिप्लेस होके नए सेल्स वहाँ आते रहें, तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और सॉफ्ट बनी रहती है। तो इसीलिए मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको कुक करेंगे। हमने इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए कुक करना है, जिससे क्या होगा कि एलोवेरा जेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो काफ़ी सूख जाएगा और जो इसका जेल पार्ट है वो ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये एक तरह से नारियल का तेल बन जाएगा एलोवेरा जेल वाला। अगर हम इस तरह से इसको बना के रखते हैं तो हम इसको 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका भी है स्टोरेज का, क्योंकि जो फ्रेश जेल है उसको हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, चाहे विंटर सीजन हो फिर भी नहीं कर सकते। तो इस तरह करने से हमारा काम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और जो हमारा कोकोनट ऑयल है वो भी एलोवेरा जेल से सिद्ध हो जाएगा। एलोवेरा जेल के जो भी गुण हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। जिस रेशो में एलोवेरा जेल और नारियल का तेल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए काम में आ सकता है, पर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो भी इसके अंदर ऑयल को डालना चाहते हैं तो वो ऑयल बहुत कम यानी कि 1 चम्मच या 0.5 चम्मच भी ले सकते हैं। जब हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते तो हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते जाते हैं, जिससे हमारा फेस जो है वो लगातार ख़राब होता जाता है। बहुत सारे स्कार्स हो जाते हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं और फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। एलोवेरा जेल के अंदर ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो हमारे स्किन सेल्स को रीजनरेट करते हैं, डेड सेल्स जो होते हैं उनको क्लियर आउट करके नए सेल्स बनाते हैं। हम इस मॉइस्चराइजर को फेशियल मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम मसाज रेगुलरली करते हैं तो उससे एजिंग के साइंस काफ़ी कम हो जाते हैं, अगर चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं, साथ में स्किन की इलास्टिसिटी ज़्यादा बढ़ती है, स्किन टाइट होती है। हमारा जो मिक्सचर है एलोवेरा जेल का और कोकोनट ऑयल का वो कुक हो गया। आप देख सकते हो कि ये काफ़ी थिक हो गया है पहले से। हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये आधा रह जाए। जब आप पहली बार बना रहे हैं तो आप इसी तरह थोड़ा ही बनाएं, यूज़ करके 1 हफ्ते के लिए देखें। अगर आपको सूट करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो फिर आप इसको 1 मंथ का भी बना के रख सकते हैं। अब अगर हम इसको हाथ से टच करके भी देखेंगे तो इसके अंदर आपको वाटर का कंटेंट नहीं मिलेगा, ये सारा एक ऑयल बेस्ड जेल बन जाएगा। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे पूरी तरह से। जब हमने इसको ठंडा करना है तो भी हम बीच बीच में चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे ताकि ये एक जैसा बना रहे, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल और जेल को मिक्स करने की कोशिश की है, इसका जो पानी है वो किसी तरह से सेपरेट ना हो, इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है और बीच बीच में चम्मच से हिलाते जाना है। अभी ये काफ़ी अच्छे से थिक हो गया है। हमने इसके अंदर एक और चीज़ मिलानी है और वो है हनी। हनी भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है, ये स्किन को हील करता है। विंटर में जिनकी स्किन ड्राई होती है या फिर नॉर्मल स्किन वालों की स्किन भी ड्राई हो जाती है, अगर हम उसकी केयर नहीं करते तो बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिससे कई बार स्किन छिल भी जाती है, दर्द भी होता है। और ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसको आप आराम से खा भी सकते हो, क्योंकि कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो एडिबल नहीं है। तो यही रीज़न है कि आप इसको क्रैक्ड लिप्स के ऊपर भी लगा सकते हो। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा फटते हैं तो आप इसको रात को लगा के सो जाएं और मॉर्निंग में आपके लिप्स आपको बिल्कुल ठीक मिलेंगे और लिप्स जो हैं उनकी ब्लैकनिंग भी नहीं होगी, वो पिंक बने रहेंगे।
शहद हमने आधा चम्मच डाला है और वो भी ठंडा होने के बाद डाला है। ये एक ऐसा मिक्सचर है, कई बार हमारा हाथ जल जाता है या फिर आपको अगर आपकी स्किन सन बर्न की वजह से भी खराब हो चुकी है तो भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। हनी डालने के बाद इसके अंदर थोड़ी चिपचिपाहट है तो आपको फेस को वॉश करके इसको फेस के ऊपर रात को जैसे अप्लाई करना है। उसके बाद आप 8 से 10 मिनट इसकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं, फिर आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं और उसके बाद आप गुनगुने पानी में भिगे हुए किसी वाइप से अच्छे से फेस को वाइप कर सकते हैं या फिर फेस को वॉश कर सकते हैं। रात का टाइम सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि उसके बाद हम बाहर नहीं जाते, नहीं तो अगर आप घर पर रहते हैं तो जो भी आपको कम्फर्टेबल टाइम लगे आप इस तरह से आप विंटर स्किन केयर कर सकते हैं। अगर आप वीक में 2 से 3 बार भी इसको यूज़ करते हैं तो आपको पूरी सर्दी ड्राइनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी तरह की क्रीम या मॉइस्चराइज़र आपको बाहर से खरीद कर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके कोई ऐसे दाग धब्बे हैं जो कि किसी चोट से या फिर किसी भी कारण से आपके फेस के ऊपर या कहीं भी स्किन पे हैं, अगर आप रेगुलरली वहाँ पर भी इसको अप्लाई करते हैं और थोड़ी सी मसाज करते हैं तो धीरे धीरे वो डल होते जाएंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और हनी तीनों ही ये काम करते हैं। ये स्किन को हील करने के लिए बहुत ही अच्छा एक्शन है इनका। ये क्रीम का काम नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी चिपचिपाहट है हनी की वजह से, तो इसलिए इसको 10 to 20 मिनट्स अप्लाई करने के बाद हमें फेस वॉश या वाइप करना पड़ेगा। पर अगर आप इसको सिर्फ क्रीम की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर हनी ना डालें और 1 या 2 ड्रॉप्स जितना भी आपको ज़रूरत है आपकी स्किन की ड्राइनेस के अकॉर्डिंगली उस तरह से आप इसको एज अ क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो इसका कोकोनट ऑयल जो है वो ज़्यादा जम जाएगा और जो हनी और एलोवेरा जेल है वो सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम नहाने से पहले फुल बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मसाज करना बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई ऑयल मसाज पसंद नहीं है या फिर ऑयल की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इसको भी मॉइस्चराइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, ये विटामिन ई रिच है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताना। अपनी स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना ताकि हम वैसी रेमेडीज आपके लिए लेकर आते रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।